फ्रेंड्स कैसे हो? ठीक ठाक। हम लोग भी बना रहे हैं कचुम्बर यानी बीटवीट का सलाद। जैसे कि बोला, प्याज इस तरीके से काटना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हम इसमें डालेंगे। हमने डाल दिया प्याज, अब थोड़ा मिर्ची काटेंगे। ये ग्रीन मिर्ची हम लोगों ने काटा, ये स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्का मिर्ची है। तो अभी इसमें डालेंगे, ये हम लोगों ने डाल दिया। अब थोड़ा सा अदरक, थोड़ा मतलब इतना अदरक, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा पीस करेंगे, बिल्कुल टेस्ट के लिए, जायके के लिए। जैसा आप लोग देख रहे हो ऐसा छोटा छोटा पीस ये हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हमने इसमें डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा। इसके बाद टमाटर हम लोग आधा डाल देंगे। आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से छोटा छोटा पीस, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हम इसमें डाल चुके हैं, इसको भी मिक्स करेंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा धनिया पत्ता काटेंगे। तो ये हमने धनिया काट लिया, ये इसमें डालने के लिए। तो ये हमने वो ने डाल दिया, इसमें मिक्स करेंगे। अब बारी है इसका, इसको उबाल के पकाया है, इसको छील के काटना पड़ेगा। अब हम इसको इससे छील के छिलका निकाल देंगे। तो इसको अभी मैं काट चुका हूँ, लेकिन इसको अच्छी तरह उबाल के पक जाए, इसका थोड़ा मीठा टेस्ट आएगा आप लोगों को। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप अच्छे तरीके से उबाल लें। तो अभी हम इसमें डालने वाले हैं, इसको हम लोग एक लेमन नींबू और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ये अच्छा टेस्ट आए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हम, और नींबू का पानी। तो अभी मैं इसको काट के डालने वाला हूँ। नींबू मैं काट के इसको थोड़ा सा डाल दो, अच्छी तरीके से जूस निकलना चाहिए। ये दूसरा के साथ टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसको मिक्स करेंगे। जैसे कि मैं इसको मिक्स कर दिया, आप लोग एक बार ट्राई करो, खा के देखो। ये सलाद बन गया अच्छी तरीके से तैयार हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चेक करेंगे फिर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, कोई दूसरा चीज़ का तरीका सिखाने के लिए। इसको अभी मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।